हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, ये पीएलसी प्रोग्रामिंग की मेरी फोर्थ वीडियो है। स्टार्टिंग की वीडियो में हमने कुछ बेसिक सीखा था और हमने सीखा था कि हम बेसिक जो गेट्स हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं पीएलसी लैडर प्रोग्रामिंग के थ्रू। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है मल्टीपल इनपुट एंड आउटपुट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट वेरी बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और ये काफ़ी यूज़ होगा आगे चल के। बेसिकली मैं लैचिंग पढ़ाने वाला था, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है, ताकि वहाँ पर आपको हेल्प मिले। अब देखिए, जो बेसिक जो क्वेश्चन मैं आपसे एक पूछने वाला हूँ, इसमें एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन आया कि भाई कोई किसी को प्रोग्रामिंग करानी और उसने बोला कि मेरे पास एक बटन है और उस बटन को मैं प्रेस करता हूँ तो मुझे आउटपुट मिलता है, और जैसे ही उस बटन को मैं छोड़ देता हूँ मुझे आउटपुट मिलना बंद हो जाता है। किसी ने ये क्वेश्चन आपको दिया, तो ये बटन जब वो प्रेस करने की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो जो बटन है वो है पुश बटन। कैसा होता है, जैसे कि आपने रेलवे में नल देखा होगा कि जैसे ही आप उस रेलवे के नल को पुश करते हो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये रेलवे का नल है और उसको आपने पुश किया तो पानी आने लगता है, और जैसे ही जब तक आप पुश करे रहोगे पानी आता रहेगा, तब तक आउटपुट आता रहेगा, जैसे ही आप उसको छोड़ दोगे आउटपुट आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक तरह से पुश बटन। तो पीएलसी में जब आप डील करते हैं तो आपके पास जो बटन होते हैं वो पुश बटन होते हैं। ठीक है, तो पुश बटन आपके लगे हुए हैं और आपको प्रोग्राम बनाना है कि जब मैं बटन को प्रेस करूं आउटपुट मिले, और जब बटन को छोड़ दूं तो आउटपुट मिलना बंद हो जाए। तो ऐसे केस में आपके ध्यान में तुरंत आना चाहिए, क्वेश्चन आप लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, और ऐसे केस में आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ऐसा बटन जो दबाने पर रास्ता दे देता है वो तो नॉर्मली ओपन बटन होता है। देखिए एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पर मैंने एक नॉर्मली ओपन बटन लगा दिया और इसको आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दिया। इसको एड्रेस दिया मैंने और यहाँ पे इसको दे दिया i0.0, और यहाँ पे मेरा फिजिकल बटन लगा हुआ है जो मैं बता रहा हूँ आपको, पुश बटन। ठीक है, जैसे ही मैं इस, क्योंकि ये इससे कनेक्ट है, ये इसका एड्रेस दिया हुआ है, ये बटन को जब मैं दबाऊंगा, यहाँ पे प्रेस कर दिया मैंने, तो ये क्या करेगा, ये नॉर्मली ओपन बटन क्या करता है, जैसे मैंने इसको दबाया यहाँ पर, ठीक है, तो ये रास्ता दे देगा, और यहाँ से जो सप्लाई है, सपोज यहाँ पे एक सप्लाई है, सपोज कर लीजिए, तो यहाँ से जो सप्लाई है वो इस रास्ते थ्रू यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर एलईडी लगी हुई है, तो एलईडी क्या करने लगेगी, ग्लो करने लगेगी। ठीक है, अब ये चीज़ है कंप्यूटर पे, ठीक है, ये यहाँ पर कंप्यूटर है और कंप्यूटर पे आप ये सब कर रहे हो। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और जैसे आप छोड़ दोगे, फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार, i0.0 हो गया, ये q0.0 हो गया, तो जैसे ही आपने दबाया, यहाँ ने रास्ता दे दिया यहाँ पर, और जैसे ही आपने छोड़ा ये फिर से ओपन हो गया और इसने रास्ते को ब्लॉक कर दिया, यहाँ से जो सप्लाई आएगी अब नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो बेसिकली इस स्विच का यही काम है। अब आपसे किसी ने कहा, आपसे दूसरा जो क्वेश्चन किसी ने पूछा वो ये पूछा कि मान लीजिए आपके पास तीन बटन है, बटन वन, बटन टू और बटन थ्री, और इन तीनों बटन में से अगर आप कोई सा भी एक बटन प्रेस करें तो आपको आउटपुट मिलना चाहिए। आउटपुट मिलने का मतलब यहाँ से क्या है, मान लीजिए एलईडी आउटपुट पे लगी है तो एलईडी ग्लो कर जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे करें। देखिए, जब भी ऐसी कंडीशन आए आपसे कि कोई भी एक बटन को दबाओ और आउटपुट मिले, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ये बात कि मैं ऐसा करता हूँ कि तीनों नॉर्मली ओपन स्विच को पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं। तो ये मैंने आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जो ये बटन वन का एड्रेस हो गया, ये बटन टू हो गया, ये बटन थ्री हो गया। ठीक है, ये i0.1, ये i0.2, और यहां पर तीनों बटन यहां पर पीएलसी पे लगे हुए हैं। ठीक है, ये बटन का एड्रेस है, ये जो है ये फिजिकली अवेलेबल है, ये प्रोग्रामिंग में है, तो जब मैं ये बटन दबाता हूँ प्रोग्रामिंग में ये पाथ दे देता है। ठीक है, और जैसे ही छोड़ता हूँ ये अपना नॉर्मली तो ओपन ही रहता है,
लेकिन बटन दबाने पर ये क्लोज हो जाता है, तो ये सप्लाई को जाने देता है। इतनी बात है, आपको अपनी कॉपी पे लिख लीजिए कहीं, ठीक है। अब देखिए ये बटन वन, बटन टू, बटन थ्री। मैंने बटन वन को दबाया, जैसी बटन वन को दबाया यहाँ से रास्ता मिल गया, सप्लाई मान लीजिए सपोज यहाँ से आ रही थी, सपोज कीजिए, ये चीज़ है नहीं क्योंकि ये प्रोग्रामिंग की चीज़ है, यहाँ पर ये कंप्यूटर पे चल रहा है, और जो चीज़ ये चीज़ जो प्रोग्रामिंग में है ये रियल में भी हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर एज्यूम करके चलिए कि जैसी मैंने बटन को दबाया यहाँ से सप्लाई आने लगी, ये क्लोज हो गया, ठीक है। बटन ने रास्ता, यहाँ पर रास्ता मिल गया इस स्विच में, ये नॉर्मली ओपन स्विच है, तो यहाँ से रास्ता मिला, आउटपुट मिल गया। अब देखिए यहाँ पर आपने छोड़ दिया, जैसे ही आपने छोड़ा इस बटन को, ये अपने आप से नॉर्मली जैसे था कंडीशन में वैसे ही हो गया। नॉर्मली कैसे रहता है ये, नॉर्मली ओपन रहता है, तो ओपन हो गया। अब आपने दूसरा बटन दबाया, अब दूसरा भी तो बटन सप्लाई से कनेक्ट है, तो यहाँ से सप्लाई ऐसे होती हुई आ गई, आपने बटन दबाया तो ये क्लोज हो गया, जैसे ही रास्ता मिला वैसे आपका आउटपुट मिल गया। तीस इसको छोड़ दो, ठीक है, तीसरा भी दबाओगे तो फिर ये बटन रास्ता दे देगा, सप्लाई ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ऐसे करके ऐसे चली जाएगी। तो यानी कि इससे मतलब क्या है, इससे मतलब ये है कि कोई सा भी आप तीनों में से कोई सा भी बटन दबाओ आपको आउटपुट मिल रहा है। ये जो चीज है ये है मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट, तो यही कॉन्सेप्ट है मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट का। दूसरा आपसे एक और क्वेश्चन आता है, जो कॉन्सेप्ट है आपका मल्टीपल आउटपुट, मल्टीपल आउटपुट सिंगल इनपुट। इस कॉन्सेप्ट में क्या है, इसमें यह है आपसे किसी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं एक बटन दबाऊं, एक बटन दबाऊं और मेरे पास दो एलईडी हैं, यानी कि एक आउटपुट वन है और एक आउटपुट टू है। यहां पे आउटपुट को हम एलईडी से कर देते हैं, और आउटपुट ऑन होने का मतलब एलईडी ग्लो करना ऐसे है, ठीक है। बटन वन है और आउटपुट मेरे पास दो है, ठीक है। जैसे बटन को प्रेस करता हूँ दोनों आउटपुट ऑन हो जाते हैं, और जैसे ही छोड़ता हूँ दोनों आउटपुट ऑफ हो जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, सिंपली सिंगल आउटपुट लगा, सिंगल इनपुट लगाता हूँ और इससे अटैच कर देता हूँ मल्टीपल आउटपुट, ये भी आपका काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। I 0.0 ये हो गया, क्या हुआ 0.1, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बटन लगा हुआ है, इसको मैंने प्रेस किया, यहाँ से जैसे प्रेस किया ये क्लोज हो गया, यहाँ से सप्लाई आई, ठीक है, और दोनों जगह आपको आउटपुट मिल गया, ठीक है। जैसे छोड़ा यहाँ से रास्ता इसने को ओपन कर दिया। और देखो एक बात को और समझो, बटन को दबाया तो ये क्लोज हो गया, छोड़ा तो ये ओपन हो गया, छोड़ा तो ये कंडीशन जो है वो नॉर्मली कंडीशन है भाई। नॉर्मली आप स्विच को दबाए थोड़ी ना रहते हो, तो नॉर्मली ये स्विच ओपन रहता है, इसको समझो कि नॉर्मली का मतलब ये है कि हम स्विच को दबाए नहीं हुए, ठीक है। तो ये दोनों आउटपुट यहाँ से एक सिंगल इनपुट के द्वारा दोनों आउटपुट भी ऑन हो सकते हैं, तो यही जो है कॉन्सेप्ट वो है मल्टीपल आउटपुट सिंगल इनपुट कॉन्सेप्ट। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये मैं आपको क्यों बता रहा था, क्योंकि लैचिंग में इसका इस्तेमाल होगा आगे चल के, और वहाँ पर अगर आप इन बेसिक टर्म को पहले से जानते होंगे तो आपको वो चीज़ समझने में मुसीबत नहीं होगी। कई बार क्या होता है, हम डायरेक्ट चीज़ को ले जाते हैं और डायरेक्ट चीज़ों को करने देते हैं, और बेसिक आपको थोड़ा बहुत नहीं पता होता है उस बारे में, सुना नहीं होता है, तो अचानक से नई चीज़ दिखाओ तो थोड़ी डिफिकल्टी होती है, और डिफिकल्टी की वजह से ये होता है कई बार आप बीच में ही वीडियो को छोड़ के चले जाते हो, जैसे आपका मन भी नहीं लगेगा कि प्रोग्रामिंग सीख ही जाए। तो ये बेसिक बेसिक तरह से एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात एक मुझे ये बोलनी है कि मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको देना है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ उसका आंसर आपको देना है, और आप क्या करिए, एक मैं आपको लिंक दूंगा टेलीग्राम ग्रुप की, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक दूंगा, या आप टेलीग्राम ग्रुप पे विद्या ट्रांस सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो। तो जो लिंक दूंगा उसके थ्रू उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। डिस्कस के फॉर्म में आके जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा उसका आंसर जो है
वो एक अपने कॉपी पे नोट कीजिए, उसको बनाइए और वहां पे पोस्ट कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे बनाया। क्योंकि टू वे होना चाहिए हमारे बीच में कम्युनिकेशन। क्योंकि जैसे कॉलेज में होता है कि हम डायरेक्ट स्टूडेंट से पूछ लेते हैं, देख लेते हैं उसकी कॉपी कि उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है, तो वैसा ही मैं चाहता हूँ कि हम लोगों के बीच में डिस्कशन रहे, ताकि आप क्या बना रहे हैं, आपको सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे, जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ उसका फोटो खींच के आप वहाँ पर पोस्ट कीजिए। दूसरी बात, विद्या ट्रांस चैनल ऐसी वीडियो काफ़ी बना रहा है, सीरीज में, इस सीरीज में काफ़ी वीडियो लेके आ रहे हैं हम पीएलसी प्रोग्रामिंग की, तो इस विद्या ट्रांस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और बेल आइकन एक होता है इस टाइप का, आता है जैसे स्विच होता है ना अपना, ऐसे आता है, तो इसको आप प्रेस कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन पूछना तो भूल गया, चलिए बता देता हूँ, वो क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है, अब आपसे किसी ने कहा कि भाई मेरे पास बटन 1 है, 2 है और 3 है, और ये तीन बटन मेरे पास हैं, बटन 1, 2 और 3। मैं चाहता हूँ कि जब इन तीनों बटन को एक साथ दबाऊँ, जब इन तीनों बटन को एक साथ दबाऊँ तब मुझे आउटपुट मिल जाए, ठीक है। क्वेश्चन ये है, जब 1, 2, 3 तीन बटन है, जब इन तीनों बटन को जब मैं एक साथ दबाऊं तो मुझे आउटपुट मिल जाए, ठीक है। आउटपुट मिलने का मतलब, मान लीजिए एलईडी लगी हुई है आउटपुट पे, तो वो ग्लो कर जाए। तो इसका आंसर जरूर मुझे विद्या ट्रांस जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर जरूर आप पोस्ट कीजिए, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।